पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के कोहलू जिले में गेहूं बांटने के दौरान लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पाकिस्तान इन दिनों कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। महालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को रोटी तक मिलनी मुश्किल हो रही है, और अगर लोग इसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उन्हें रोटी के बदले गोली मिल रही है। ये वीडियो बलूचिस्तान के कोहलू जिले का बताया गया, जिसमें एक इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए। बताया गया कि वहां लोगों को गेहूं बांटा जा रहा था, लेकिन अनाज के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने वहां बहुत कम गेहूं भेजा था, जबकि उसे लेने के लिए वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। और गेहूं न मिलने पर वो लोग पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में बड़ी संख्या में बलोच लोग घायल हो गए, और वहां से आए इस वीडियो ने पाकिस्तान की खस्ता हालत की पोल खोल कर रख दी। ये साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की सरकार के पास लोगों को दो वक्त की रोटी देने की भी हैसियत नहीं बची, और इसीलिए उसकी सेना रोटी मांगने वालों पर गोलियां बरसा रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना अनाज भी नहीं बचा है कि जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचा सके। वहां के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में गेहूं का संकट शहबाज सरकार के भी पसीने छुड़ा रहा है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रोजाना आटे की खपत 20 किलो की